हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, आज हम बताने वाले हैं कटरुआ के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, आप ये देख रहे होंगे कि ये क्या है। फ्रेंड्स, ये है एक सब्जी, शुद्ध शाकाहारी सब्जी, जिसको हम लोग कटरुआ कहते हैं। फ्रेंड्स, और क्षेत्रों में इसको किस नाम से पुकारते हैं मुझे ये पता नहीं है, पर हम लोग के इधर लखीमपुर खीरी साइड में इसको कटरुआ के बोलते हैं। और ये बरसात के मौसम में निकलता है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। इसकी खेती नहीं होती है, ये कटरुआ जो है वो सीजनल है, यानी कि ये बारिश के मौसम, जब बारिश होती है तो ये जंगलों में निकलता है। ये ऐसे सामान्य जगह पे नहीं निकलता, ये जंगलों में ही निकलता है। और इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और जब हम इसकी सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें एक सौंधी सौंधी, जैसे मिट्टी पर मतलब बारिश होने के बाद जिस तरीके से खुशबू आती है, उस तरीके से खुशबू आती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो फ्रेंड्स, हमको क्या करना है, सबसे पहले कटरुए को हमें पानी में अच्छे से धुल लेना है, ताकि जो इनमें मिट्टी लगी है वो निकल जाए। फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ को कटरुए को अच्छे से धुल लिया है। तो जब उनकी तीन चार पानी में अच्छे से वॉश किया है, तो उनका जो मिट्टी है, जो भी उनमें मिट्टी लगी थी, वो सब निकल गई है और ये इस तरीके से दिख रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो ये धुलने के बाद कुछ इस तरीके से दिखते हैं। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, इनकी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और ये हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये बरसात के मौसम में ही निकलते हैं, ये सब्ज़ी आपको बरसात के मौसम में ही निकलेगी, ये एक दो महीने में ही मिलती है। फ्रेंड्स, जब हम इसको बीज से हाफ करते हैं तो इसके जो अंदर का पार्ट्स है वो ऐसा सफ़ेद दिखाई देता है। तो और हमको जब सब्ज़ी हम बनाते हैं तो इसे फेंकना नहीं है, क्योंकि यही इसी में सारा टेस्ट होता है। तो फ्रेंड्स, अब बारी है ये जो हमने कटरुए धुल लिए हैं, इनको कच्चा भी अच्छा लगता है काटने की। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं इनको कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारे कटरुओं को निकाल लिया है। निकालने के बाद भी अगर कहीं लगता है कि कटरुओं में कहीं पर थोड़ी सी बहुत धूल रह गई है, तो हमें उसको ऐसे चाकू से, मतलब इस तरीके से छील के निकाल लेना है। और इसको छीलना नहीं है, कहीं छीला नहीं जाता, केवल ऐसे चाकू से खुरच लेना है ताकि वो मिट्टी निकल जाए। और इस तरीके से कटोरे को हाफ कर करके हमें बीज से हाफ कर लेना है। इसकी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। इस तरीके से हमको जब हम सारे कटोरे हाफ कर लेंगे तो फिर हमें इसकी सब्ज़ी बनानी है। इसकी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और ये भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और लोग इसे बहुत ही चाव से खाते हैं। वो इसमें एक अलग ही प्रकार की सुगंध आती है, सौंधी सौंधी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारी जो कटरुआ है ये कट गए हैं और अब बारी है इनको बनाने की। तो फ्रेंड्स, हमको क्या करना है, हमको सब्जी को उसी तरीके से बनाना है जैसे तेल में हम हल्दी, मिर्चा, लहसुन, प्याज, ये सब हम फ्राई कर छौंकते हैं। उसके बाद में हम कटरुआ को डाल के खूब अच्छे से फ्राई करते हैं और नमक स्वाद अनुसार मिलाते हैं। और ये शाकाहारी सब्जी है, इसे खूब हमें अच्छे से जलाते रहना है ताकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने। और इस सब्ज़ी को सब लोग बहुत ही मन से खाते हैं, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको सब्ज़ी ना पसंद आए। हम लोगों की तरफ तो इसे बहुत ही मन से खाते हैं। तो फ्रेंड्स, और मैंने यहाँ पर एक गिलास पानी मिलाया है ताकि इसका एक अच्छा सा ग्रेवी तैयार हो जाए। और फ्रेंड्स, अब ये हमारे जो हैं, हम कटरुए बनने तैयार हो गए। अब हम इसे गैस पर 3 या 4 सीटी आने पर इसको हम हटाएँगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारी ये सब्ज़ी जो है कटोरे की बन गई है। और देखिए फ्रेंड्स, ये तैयार है स्वादिष्ट कटोरे की सब्ज़ी। ये देखिए, लग रही है ना कितनी टेस्टी। ये जितनी टेस्टी होती है उतनी ही देखने में भी अच्छी होती है और इसकी सुगंध के तो कहने क्या। तो फ्रेंड्स, आप ये टेस्ट कीजिए कटरुआ की सब्ज़ी और बताइए कैसी बनी है। ये सब्ज़ी इसी समय बरसात के मौसम में ही मिलती है जंगलों में, इसे सब लोग बड़े चाव से खाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं।